The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. डीजल पेट्रोल गैस मूल्य वृद्धि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया जोरदार प्रदर्शन। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी व साथ में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा हल्दीबारी पेट्रोल पंप व पोड़ी पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर सम्मिलित हुए। उनके द्वारा डीजल पेट्रोल व रसोई गैस खाद्यान्न जैसी मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ इंडियन ऑयल हल्दीबारी के खिलाफ पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया। तहलका इंडिया न्यूज के लिए कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, भारत सरकार के मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में, क्योंकि ये कोरोना के महामारी के दौर में लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग न वैक्सीन मिल रहा है न रोजगार मिल रहा है, ऐसे में लोग जब आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में जब आश्चर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगातार कच्चे तेलों के दामों में कमी आने के बाद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। भारत से कहीं ज़्यादा छोटे आर्थिक स्थिति वाले देश हमसे ज़्यादा सस्ते तेल उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार आज के इस पैंडमिक टाइम में, इस आपात काल में भी पेट्रोल और डीजल के टैक्स से अपने सरकार के कमियों को, अपने सरकार के जो बजट है, जो बजट में कमी आ रही है, उस बजट को बराबर कर रही है। तो ऐसे समय में व्यापार करने वाली ये व्यापारियों की सरकार मोदी सरकार के विरोध में, चूँकि आम जनता के हित में कांग्रेस हर समय खड़ी रही है, इसलिए आज आम लोगों को होने वाले दुख तकलीफ को लेकर कांग्रेस आवाज़ मुखर कर रही है और भारत सरकार तक कांग्रेस अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रही है कि देश में जो ये सरकार है ये खेत जाए और आम आदमी के हित में फैसला लेना चालू करे और पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करे, ताकि आम आदमी राहत की सांस ले सके।